हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरोज आ गया हूँ आज एक और नया वीडियो लेकर के, तो जिस पर मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग घर पे ही मैकेनिकल डिस्क ब्रेक को हटा करके यहाँ हाइड्रोलिक ब्रेक इंस्टॉल कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का यहाँ ध्यान आप लोगों को रखना है, तो आराम से आप लोग जो है पावरफुल ब्रेक का मजा यहाँ ले सकते हैं। और भी बहुत कुछ इसमें है बताया मैंने कि किस तरीका से यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉल करना है और कहाँ से आप प्रोडक्ट मंगा सकते हैं और कितना प्राइस है, सब कुछ के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो कर लेते हैं बिना देरी किए वीडियो को शुरू। ये मेरा एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है जो कि प्रोडक्ट खुद परचेज करके लाए हैं, यहाँ मुझे दे करके ये असेंबल करने के लिए बोल रहे हैं। सारा कुछ असेंबल होगा मेरा घर पे ही, तो कस्टमर साइकिल को भी साथ में लेकर के आए हैं और मुझे दे दिए हैं। देख सकते हैं इस साइकिल पर जो है इंस्टॉल होने वाला है, ये रोडियो फ्यूजिटिव है। तो घर पे कुछ स्टैंडिंग वगैरह होता नहीं है, तो साइकिल को यहाँ उल्टा कर लेंगे हम लोग और दोनों व्हील को खोल लेंगे। तो सबसे पहले सामने वाला व्हील को यहाँ निकाल लेंगे, उसके बाद जो है पीछे वाला व्हील को यहाँ निकाल लेंगे, उसके बाद मैकेनिकल डिस्क ब्रेक वाला कैलिपर को जो है यहाँ पे हम लोग खोल लेंगे। सारा वायर वगैरह जितना कैलिपर वगैरह है सारा कुछ खोल लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपना रियर वाला खुल चुका है और सामने वाला मैं पहले ही खोल के रख चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका सीमानो का 2-in-1 शिफ्टर है, जो कि ब्रेक लीवर यहाँ काट चुका हूँ, जो कि आपको बाद में देखने के लिए मिल जाएगा। तो उससे पहले अपना यहाँ प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे आया हुआ है। तो चलिए, जो कि भाई ने पहले ही अनबॉक्स कर चुके हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस जगह से यहाँ पे अपना प्रोडक्ट मंगाया हुआ है डू इन मिनट से। तो यहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे आया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैनुअल का भी अपना ज़रूरत है नहीं, तो इसका हम लोग साइड पे रख देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं ब्रेक लीवर और क्या क्या यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ब्लीड ऑयल दिया हुआ है एक्स्ट्रा में, अगर आपका ऑयल यहाँ घट जाता है तो आप इसको डाल सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ब्रेक लीवर, जो कि ये लेफ्ट साइड का होगा। लेफ्ट साइड का ब्रेक यहाँ सामने के लिए होता है, तो इसको हम लोग केबल स्वैप सारा कुछ कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग मॉडल नंबर देख सकते हैं MT201। भाई ने यहाँ सारा कुछ मंगाया है, जो कि रोटर वगैरह सारा कुछ, जो कि एक एक करके आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये राइट साइड का यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, इसका भी मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एक ऑलिव एक इंसर्ट, जो कि आप केबल को कटिंग करते हैं, छोटा करते हैं, तो यहाँ पे आपको काम में लगता है। और यहाँ बोल्ट, जो कि कैलिपर को फिटिंग करने में मदद करता है। और यहाँ पे आप रोटर को देख सकते हैं, 160 mm रोटर यहाँ मंगाए हैं 2 पीस। तो चलिए अब असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको रोटर खोल लेना पड़ेगा जो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक पे लगा हुआ था। चला हुआ रोटर आप ना लगाएं तो ही बेटर है। तो सारा कुछ यहाँ बोल्ट वगैरह यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिए, उसके बाद जो है नया रोटर यहाँ पे डाल दीजिए। एक चीज़ का यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रोटर का बीच में हमेशा पकड़िए, साइड पे नहीं पकड़िए। साइड पे पकड़ते हैं तो ऑयल यहाँ चिपकता है, ऑयल चिपकने के बाद यहाँ पे दिक्कत हो जाता है ब्रेकिंग पे। उसके बाद एक एक करके यहाँ बोल्ट लगा लेंगे और बोल्ट लगाने के बाद टाइट करेंगे। टाइट करने का यहाँ सही ऑप्शन जो होता है मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ एक एक करके, तो यहाँ देख लीजिएगा बढ़िया से। जैसे कि अगर ये बोल्ट टाइट करते हैं ठीक, उसका ऑपोजिट ये बोल्ट टाइट कीजिएगा, उसके बाद ये, तो इसका ठीक ऑपोजिट, तो ये, तो इसका ठीक ऑपोजिट। इस तरीका से यहाँ टाइट कीजिएगा ताकि आपका रोटर जो है एकदम सही और स्ट्रेट बैठे। इस पे इससे क्या होता है कि आपका रोटर बेंट नहीं होता है और सही टाइट भी हो जाता है। दोनों हब में रोटर को बैठा लेने के बाद यहाँ पे अपना जो है सामने वाला व्हील को लगा लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ सामने वाला व्हील जो है लग करके रेडी हो चुका है, अब पीछे वाला व्हील को भी हम लोग लगा लेंगे। मैंने यहाँ सारा कुछ क्लियर करके बताया है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ दिखाया नहीं मैंने। तो यहाँ पे साइकिल जो है व्हील लग करके रेडी हो चुका है, तो साइकिल को अपना यहाँ सीधा कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे ग्रिप निकालेंगे, हैंडल ग्रिप। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे दिखा दूँ आप लोगों को जो चीज़ मैं बता रहा था, यहाँ पे 2-in-1 शिफ्टर जो होता है, जैसे कि ब्रेक लीवर और शिफ्टर एक ही साथ में रहता है, तो उसका मैंने ब्रेक लीवर को यहाँ काट लिया दोनों साइड का, देख सकते हैं, ताकि अपना यहाँ शिफ्टर को बदलना ना पड़े और हाइड्रोलिक ब्रेक लीवर जो है यहाँ पर अपना इंस्टॉल हो जाए आसानी से। तो चलिए यहाँ पर अपना ब्रेक लीवर को यहाँ बैठा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ब्रेक लीवर को यहाँ बैठाना पड़ेगा, उसके बाद अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके इसको टाइट कर सकते हैं। आपको ब्रेक लीवर यहाँ कहाँ रखना है, यहाँ पे देखिएगा, मेरा भतीजी मुझे काम सिखा रही है, अब बता रही है कहाँ कहाँ क्या क्या इंस्टॉल करना है, उसी के हिसाब से मैं यहाँ सारा कुछ जो है ब्रेक लीवर वगैरह सारा सेट कर ले रहा हूँ। आप यहाँ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ब्रेक लीवर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे सेट हो चुका है। तो देख सकते हैं मैं मैकेनिकल ब्रेक से यहाँ एडोप्टर को निकाल ले रहा हूँ, ताकि यहाँ पर मैं हाइड्रोलिक ब्रेक इंस्टॉल कर सकूँ। आप अगर अलग से एडोप्टर नहीं मंगाते हैं, इसी तरीका से आपको खोल करके एडोप्टर को लगा लेना पड़ेगा, पीछे वाला पीछे साइड, सामने वाला सामने साइड पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो है हाइड्रोलिक ब्रेक को इंस्टॉल कर चुका हूँ, और इसको अभी फुल टाइट आपको करना नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइट करके आपको छोड़ देना है,
ताकि अपना ब्रेक को सेट कर सकें। तो ब्रेक सेट करना यहाँ पे मैं पूरी तरीका से यहाँ दिखा नहीं पाया हूँ, इतना दिखाया हूँ कि आप लोग खुद अच्छे से समझ जाएं कि हाँ इस तरीका से आप घर पे ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद सामने वाला कैलिपर भी यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए। तो इसका अगर पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है कि किस तरीका से यहाँ पे इंस्टॉल होता है, तो मेरा एक और एक नहीं बहुत सारा वीडियो है हाइड्रोलिक ब्रेक रिलेटेड, तो उसका डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं किस तरीका से एकदम परफेक्टली आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और परफेक्ट वर्क करता है। अपना यहाँ ब्रेक हो चुका है परफेक्टली सेट, तो यहाँ पे ब्रेक हम लोग चेक कर लेंगे कि किस तरीका से काम कर रहा है। तो यहाँ परफेक्टली काम कर रहा है। अब जो है पीछे वाला ब्रेक अपना यहाँ सेट कर लेंगे, तो यहाँ पे पीछे वाला ब्रेक भी यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, तो इसको भी अपना यहाँ चेक कर लेंगे। ब्रेक हो चुका है परफेक्टली सेट, तो यहाँ पे साइकिल को भाई को देने से पहले यहाँ पे जितना भी केबल वगैरह है सारा कुछ आपको अरेंज करके देना पड़ता है, या आप खुद से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको केबल वगैरह सारा कुछ अरेंज करना पड़ेगा जिप टाई की मदद से। तो यहाँ पे हो चुका है, तो उसके बाद यहाँ पे ग्रिप को लगाएंगे, हैंडल ग्रिप को, उसके बाद जो है साइकिल को भाई को हैंड ओवर करेंगे और भाई यहाँ चला करके हम लोगों को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि साइकिल से रिलेटेड कुछ भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। यहाँ पे भाई से पूछ लूंगा कि साइकिल का काम कैसा हुआ है और प्रोडक्ट ये कितना में लाए हैं। तो कैसा है? सही। तो मेरा सब्सक्राइबर पूछ रहा था उसका कितना प्राइस हो सकता है मोटा मोटी डू एंड मीट से जो आप मंगाएं पूरा एकदम। मेरा दोनों का पड़ा 7780 थी। वो हाइड्रोलिक कैलिपर और रोटर के साथ ना? हाँ, दोनों साथ में। ठीक है भाई, तब चलाओ आराम से।